गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग अभिदित्य राणा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग नितेश, गुड मॉर्निंग। ऑल राइट, तो ओके, सो सारे ज्वाइन हो रहे हैं। प्राची गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ईशांत, ईशांत करण, गुड मॉर्निंग मोहम्मद, गुड मॉर्निंग निधि, शमशद। ऑल राइट, तो जैसे हम गुड मॉर्निंग ओजस्वी, गुड मॉर्निंग संजना, गुड मॉर्निंग, चलिए गुड मॉर्निंग का सिलसिला खत्म हो जाने दीजिए। गुड मॉर्निंग साहिना, शाहिना तबस्सुम, ऑल राइट। सो आप शुरू करते हैं, है ना। हम कल कुछ बुक्स का अध्ययन कर रहे थे, ठीक है, कुछ बुक्स इधर उधर से हम टटोल रहे थे। तो पुराने कुछ बुक्स मुझे मिले, कुछ नॉवेल्स मिले पुराने, तो मुझे कुछ पुराने बुक्स मिले, इंग्लिश नॉवेल्स मिले, और उस इंग्लिश नॉवेल्स यानी इंग्लिश में लिखा हुआ नॉवेल्स जो कि इंडियन ऑथर है, दुर्जॉय दत्ता, रविंद्र सिंह, ऐसे कई सारे ऑथर्स हैं, और उन लोगों का ऑथर, क्योंकि ये रोमांटिक नॉवेल्स होते हैं, हम पढ़ते हैं, है ना, सारे नॉवेल्स हम पढ़ते हैं। तो उसमें कल दुर्जॉय दत्ता का एक बुक मुझे मिला, होल्ड माई हैंड नाम का एक बुक है, ठीक है। पूरा स्टोरी जो है, स्टोरी बेस्ड पूरा हांगकॉन्ग में ये पूरा स्टोरी कंप्लीट होता है। एक अंधी लड़की से मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाती है ऑथर को। तो वही बुक हम मतलब कल मुझे मिल गया बाई चांस, ठीक है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके उसको, कई साल पहले पढ़ के हम उसको फेंक दिए, मतलब साइड में रख दिए हैं, ठीक है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे हमने बुक लिया, ठीक है, बुक को जो स्मेल किया, वाह क्या खुशबू थी ना, पुराने बुक्स की खुशबू, यही है आज का ज्ञान के पिटारे का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है। हम रोज कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें करते रहते हैं इनिशियल स्टार्टिंग में, ताकि सब ज्वाइन हो जाए, राइट, टाइम का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो आज हम लोग इस ज्ञान के पिटारे में हम लोग क्या करेंगे, ये हम जानेंगे कि सुगंध यानी जो बुक की खुशबू होती है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ये एक बुक है, ये बुक बहुत ही पुराना बुक है, बहुत ही पुराना बुक है। इस बुक को अगर हम स्मेल करते हैं, ठीक है, एक बायोलॉजी का बुक है, ठीक है, आप लोगों का 11th स्टैंडर्ड का बहुत पुराना बुक है, हम खुशबू लेते हैं, तो खुशबू लेने से क्या होता है, खुशबू देते वक्त बड़ा मधुर खुशबू आता है, बहुत मधुर खुशबू आता है, ठीक है। और ये मधुर खुशबू हमें क्या देती है, ये मधुर खुशबू हमें क्यों आती है, इसके पीछे कारण क्या है, सोचिए इसके पीछे कारण क्या है। तो किताबों से खुशबू क्यों आती है, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी बुक क्या है, बुक पेपर है ना, पेपर, पेपर पे लिखा गया इंक है, पेपर है उस पे लिखा गया इंक है, उसके बाद उसमें ग्लू है ना, चिपकाया गया है ग्लू से, ये सारे मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और ये सब कहां से बनते हैं, ये सब प्लांट सोर्स है, ये सब क्या है, ये सब प्लांट सोर्स है। इंक भी, इंक किससे आता है, इंक का प्रोडक्शन, चाहे वो आपका पेपर हो, पेपर भी प्लांट सोर्स है ना, हमारा गम ये भी प्लांट सोर्स है, सोच लीजिए गम भी प्लांट सोर्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम प्लांट से लेते हैं, है ना, गोंद हो या बाकी चीजें प्लांट सोर्स से, खैर प्लांट सोर्सेस हो या ना हो, पेपर तो है ना कम से कम प्लांट सोर्स। और पेपर में क्या होता है, पेपर में होता है सेल, प्लांट सेल, और वो प्लांट सेल क्योंकि पेपर यहाँ पे डेड हो चुका है ना, पेपर क्या मर चुका है यहाँ पे, ठीक है, पेपर नॉन लिविंग थिंग होता है, तो वो पेपर जो है मर चुका है, डेड हो चुका है, विच मीन्स वहां पे डेड सेल्स हैं, विच मीन्स वहां पे जो सेल्स हैं वो क्या है, वहां पे लिविंग नहीं है, तो एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, ठीक है। ये सब चीजें सोचिए, और क्या इसका रीजन होगा ये मुझे बताइएगा, ठीक है, सोचिए, एक मिनट में हम आते हैं।
आप लोगों ने सोच लिया होगा, है कि नहीं है, सोचा है कि नहीं सोचा है, सोच लिया होगा। हाँ मैंने ही ऑफ किया था, डोंट वरी, मैंने ही ऑफ किया था। चलो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, प्लास्मोलाइसिस दिख रहा है ना। चलो चैट में सब लोगों ने आंसर अपना दिया होगा, चैट बॉक्स खोलते हैं, चैट बॉक्स खोल के देखते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिए हैं। कुछ नहीं दिया है भाई, आंसर ही नहीं दिया है। यहाँ पे देखो कोई आंसर नहीं है चैट बॉक्स में, सिर्फ गुड मॉर्निंग है। मतलब क्या है, आप लोगों को आंसर नहीं पता है? आंसर नहीं पता तो वो भी आप बता दीजिए कि आंसर नहीं पता है ना, तो हम आंसर दे देंगे आपको। चलो तो सोचते हैं। अच्छा चलिए इसको हम ना क्लास के लास्ट में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या करिए आप लोग, गूगल में सर्च करना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। गूगल में मत सर्च करिए, है ना, गूगल में सर्च करके जब लेना ही है तो क्या फायदा, जाके गूगल में सर्च करते हैं आप सब कुछ। एनीवेज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में हम लोग डिफ्यूजन पढ़े थे, तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन उसी को हम क्या करने वाले हैं, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, राइट। क्वेश्चन है कि हमारे पुराने बुक्स में से खुशबू क्यों आती है, यही क्वेश्चन है आज का, ठीक है, कि पुराने जो बुक्स होते हैं उसको उसमें से सुगंध जो खुशबू आती है क्यों आती है, और हमें क्यों पसंद होती है, एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है वो खुशबू, राइट, क्यों पसंद होती है। एनीवेज हम बात करेंगे इस पे लास्ट क्लास के लास्ट में, हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। प्लास्मोलाइसिस, ये हमारा प्लास्मोलाइसिस आज का टॉपिक है, मतलब कि हम ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं, डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, ठीक है, प्लास्मोलाइसिस। अब पहले हम टॉपिक के अंदर घुसने से पहले, टॉपिक के बारे में समझने से पहले हमें क्या करना होता है, बायोलॉजी इज वेरी सिंपल, उसके टॉपिक का नाम इसी का चीरहरण कर दीजिए, इसका चीरहरण करिएगा, आपको क्या हो जाएगा, इसका पूरा टॉपिक में क्या पढ़ने वाले वो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। किसी भी बायोलॉजी में किसी भी टर्म को, अगर किसी भी टॉपिक को समझना है, किसी भी कंटेंट को समझना है, ठीक है, कंटेंट को समझना है, तो देखिए अभी हम क्लास पे फोकस करें, ठीक है, बाकी का क्वेश्चन बाद में हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे ना, उस वक्त आप बाकी का क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि सेल गोस्ट क्या है, सेल सेंट क्या है, ठीक है। तो प्लास्मोलाइज हम क्या कर लेते हैं, एक हर एक टर्म को ब्रेक करके उसके टर्म को अंडरस्टैंड करते, ब्रेक किया हुआ टर्म्स को अंडरस्टैंड करते, तब जाके पूरा टर्म समझ में आ जाता है, ठीक है, और उसके अंदर क्या रहस्य छिपा है ये भी हमें समझ में आ जाता है, सिंपल है, बेसिक है। प्लास्मोलाइसिस यानी प्लाज्मा का ब्रेकडाउन, प्लाज्मा का ब्रेकडाउन, और ये जो प्लाज्मा है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे ये प्लाज्मा इंडिकेट कर रहा है फ्लूइड को, किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्लूइड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ये प्लाज्मा किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्लूइड को इंडिकेट कर रहा है, राइट। सो साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड है, जैसे सुनिएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का ब्रेकडाउन, तो फ्लूइड कैसे टूटेगा, तो फ्लूइड टूटने का मतलब होता है कि फ्लूइड जो है उस सेल से बाहर निकल आना, सेल ब्रेकडाउन हो जाना, लेकिन सेल कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगा नहीं होगा, क्या प्रोसेस है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन लाइसिस का सिंपल मतलब होता है ब्रेकडाउन। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन मतलब टूटना, कहीं भी आप लाइसिस पढ़िएगा या लाइटिक पढ़िएगा तो उसका मतलब यही होता है ब्रेकडाउन, उसका मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन, ठीक है, मतलब सेल का, सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसका ब्रेकडाउन, प्लास्मोलाइसिस, ठीक है, प्लाज्मा का ब्रेकडाउन प्लास्मोलाइसिस, ठीक है। तो प्लास्मोलाइसिस अब इसके बारे में और डिटेल कैसे हम समझ सके, तो मान के चलिए कि कोई एक सेल है आपके पास, ठीक है, मान के चलिए हमारे पास आरबीसी सेल है, हमारे पास क्या है, हमारे पास आरबीसी सेल है, ये आपका आरबीसी है, ठीक है, ये आपका आरबीसी है या फिर ये आपका आरबीसी है, ये आरबीसी क्या है, आरबीसी सेल यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी आपकी जो रेड ब्लड सेल है वही है ये आरबीसी। तो हम इस शेप का क्यों बनाए हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का, तो यही होता है ओरिजिनल शेप ऑफ आरबीसी, ओरिजिनल शेप ऑफ आरबीसी, ठीक है, ऑल राइट। तो ये आरबीसी बाय कॉनकेव है,
अब ये आरबीसी का जो वॉल है, अगर ये टूट जाता है, अगर ये इसका वॉल टूट जाता है तो क्या होगा, क्या होगा? अगर मान के चलिए हमारे पास क्या है, हमारे पास सुधा का दूध है, सुधा का क्या है, सुधा मिल्क, सुधा का दूध का पैकेट है, ठीक है, सुधा का दूध का पैकेट है। हम क्या कर रहे हैं, हम कोने से पकड़ के लाते हैं, जब लाते हैं तो हम एकदम कोने से पकड़ के लाते हैं, हम पूरा थैला इधर खेलते हुए आते हैं, है ना। अगर मान के चलो कि इस थैला हम खेल रहे हैं, अचानक से नीचे गिर जा रहा है और फूट जा रहा है, इसका थैले का एक हिस्सा जो है यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है, या फिर इसका जो कॉर्नर है, क्योंकि कॉर्नर में सीलिंग होती है, तो कॉर्नर में ये ब्रेक हो जा रहा है। जब ये कॉर्नर में ब्रेक हो रहा है तो क्या होगा, इसके अंदर दूध है और सारा दूध बाहर निकल आएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सारा सुधा का दूध बाहर आ जाएगा। सिमिलरली ये जब आरबीसी यहाँ पे सेल ब्रेक डाउन होगा, क्या होगा, सारा सेल का मटेरियल बाहर निकल आएगा। तो जब सारा दूध नीचे अगर निकल आएगा बाहर, नीचे गिर जाएगा, तो क्या ये दूध यूजफुल रह जाएगा, नहीं। ये मान के चलो दूध का पैकेट, क्या कोई रोल है यहाँ पे, कोई रोल नहीं है यहाँ पे फिर। तो आरबीसी सेल्स अगर यहाँ से सारा मटेरियल निकल जाता है सेल, उसको हम कहते हैं सेल डेथ, सेल जो है वो मर जाता है, ठीक है, सेल मर जाता है। सेल डेथ को हम एक और टर्म उसे जानते हैं, सेल डेथ एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस, इसको सेल डेथ को हम एपोप्टोसिस भी कहते हैं। किसको कहते हैं, सेल डेथ को, इसको सेल डेथ, सेल डेथ को हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं, राइट। तो सुधा का दूध है बाहर निकल गया, आरबीसी है बाहर निकल गया, तो वैसे ही अगर किसी भी सेल का, तो ये भी एक सेल है ना, तो सेल का भी अगर कोई वॉल ब्रेक डाउन हो जाता है तो बाहर निकल आएगा, है ना, वैसे सेल मर जाएगा। तो कैसे होता है भाई, तो प्लास्मोलाइसिस क्यों होता है, कैसे होता है ऐसा, ठीक है। तो हमें प्लास्मोलाइसिस पढ़ने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड, देखिए प्लास्मोलाइसिस हम लोग पढ़ेंगे जरूर, ठीक है, लेकिन प्लास्मोलाइसिस पढ़ने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ठीक है, दोनों में कुछ डिफरेंसेस देखेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, बेसिक डिफरेंसेस, और उसके बाद हम इस टर्म को समझेंगे, समझ में आ जाएगा, उसके बाद इसका कारण सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो हम इसके रिलेटेड थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं आपको कि हमारा जो प्लांट सेल होता है, ठीक है, प्लांट सेल, प्लांट सेल बहुत सारे शेप्स के होते हैं, लेकिन हम एक पॉलीगोनल मान के चलिए, डिफरेंस दिखाने के लिए हम एक पॉलीगोनल शेप का एक प्लांट सेल लेते हैं, और मान के चलिए हमारा यहाँ पे एनिमल सेल है, हमारा क्या है, एक एनिमल सेल है, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका एनिमल सेल और ये है आपका प्लांट सेल, ठीक है। इस प्लांट सेल का जो आउटर वॉल है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर वॉल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, आउटर वॉल यानी प्लाज्मा, सॉरी सॉरी सॉरी, सेल वॉल, क्या हम भी बेवकूफों की तरह बोल रहे हैं, है ना। आउटर वॉल क्या है प्लांट सेल में, प्लांट सेल का आउटर वॉल है आपका सेल वॉल, और एनिमल सेल का आउटर वॉल है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी, ठीक है, आप लोग स्मार्ट हो, आप लोग को पता हो, चल गया होगा, है ना। ये क्या है, ये आउटर वॉल है, किसका आउटर वॉल है, प्लांट सेल का आउटर वॉल है, और हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं सेल वॉल, इसको हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है, इसको हम कहेंगे सेल वॉल। एकदम थिक और टफ होता है क्योंकि इसमें सेलुलोस, लिग्निन, ये सब चीजें डिपॉजिट होते हैं, हेवी सेलुलोस जैसे मटेरियल इसमें डिपॉजिट रहता है, सो इसे एकदम टफ होता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लांट सेल का आउटर वॉल है सेल वॉल, और उसके अंदर क्या है, ब्लू कलर का हमने बनाया एनिमल सेल, वो ब्लू कलर का बनाया वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो और एनिमल सेल का आउटर वॉल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अलावा इस प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। तो प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो एक कोने में होता है, स्मॉल साइज होता है और एक कोने में होता है, ठीक है, स्मॉल साइज का होता है और एक कोने में होता है। और एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वो सेंटर में और लार्ज होता है,
सेंटर में होता है और लार्ज होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होंगे, इसमें होंगे वैक्यूल्स, इसके होंगे प्लांसिल में होंगे वैक्यूल्स, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांसिल में, और एनिमल सेल में स्मॉल स्फेरिकल वैक्यूल, ठीक है। इसके अलावा इसमें बाकी सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, बाकी सारे ऑर्गेनल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। नाउ हम इसे प्लास्मोलाइसिस पढ़ने के लिए ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, वो सब चीजें यहाँ पे होगी, ठीक है। साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म इसके अंदर होगा, राइबोसोम होंगे, है ना, बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगा। तो ये रहा आपका साइटोप्लाज्म, हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। इसके अंदर राइबोसोम्स होंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे, लाइसोसोम होंगे, पेरोक्सिसोम होंगे, स्पेरोसोम होंगे, डिप्टियोसोम होंगे, है ना। उसके बाद आपको गॉल्गी बॉडी होगा, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये सब सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अभी फिलहाल हमें प्लास्मोलाइसिस समझने के लिए बस इतना काफी है। हम अगले क्लास में क्या करेंगे, बिफोर स्टार्टिंग विद द सेल वॉल, बिफोर स्टार्टिंग विद द सेल वॉल विल अंडरस्टैंड ऑल द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। हम बड़ा सा डायग्राम यहाँ पे दोनों तरफ बनाएंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे ये आपका प्लांट सेल है, ये आपका प्लांट सेल है और ये है एनिमल सेल, एनिमल सेल। हमें पता है कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कैसे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर देख लिया है पूरा, उसका पूरा डिटेल अंडरस्टैंडिंग हमने कर लिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो थिन होता है, डेलिकेट होता है, इलास्टिक होता है, फ्लूइडिक नेचर होता है ना, फ्लूइडिटी उसमें होती है, वो मूव करता रहता है, क्लियर, हमेशा याद रखिएगा। दूसरी चीज सेल वॉल, वही हम बात करें अगर सेल वॉल की, तो सेल वॉल बहुत ही टफ होता है, बहुत ही रिजिड होता है, ठीक है, ब्रेक नहीं होता है, बहुत ही टफ होता है, ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। और इसी वजह से ये हमारा प्लांट सेल सुरक्षित रहता है और एनिमल सेल उतना ज्यादा सुरक्षित नहीं रहता है क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होता है। ये सेलुलोस सॉरी ये सेल वॉल आपको टफ क्यों होता है, बिकॉज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल्युलोस, सेल्युलोस इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, हेमी सेल्युलोस यहां पे प्रेजेंट होंगे, लिग्निन यहां पे प्रेजेंट होंगे, सुबेरिन यहां पे प्रेजेंट होंगे, कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद और भी कई सारे प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स होंगे, ये सुगर और सेल्युलोस और हेमी सेल्युलोस सब सुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और कुछ प्रोटीन होंगे। तो ये सब मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट रहता है जिसके वजह से ये टफ हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से ये सेल वॉल टफ हो जाता है। तो ये जो सेल वॉल है टफ है और ये क्यों, या इसका काम क्या है, अंदर के मटेरियल को, अंदर के मटेरियल को प्रोटेक्ट करना ताकि बाहर लीक आउट ना हो जाए, ठीक है। और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये थिन होता है और डेलिकेट होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल के पास भी प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के पास होता है। सो हमारा ये आउटर जो वॉल है ये सेल वॉल, और उसके बाद अंदर के जो वॉल है, अंदर के वॉल जो कि कॉमन है दोनों के लिए, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल राइट, समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया हो तो हम आगे प्लास्मोलाइसिस पे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो क्या करना है आपको, आपको पता है कि आपको करना क्या है, आपको करना है पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में या शायद चैट बॉक्स में आपको नीचे की तरफ टिक मार्क और क्रॉस मार्क का ऑप्शन होगा, करते रहिए, ठीक है। चलियो, समझ में आ गया, ओके ओके ओके, तो सबको समझ में आ गया है, सबको समझ में आ गया है,
अब हम लोग, अब हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि प्लास्मोलाइसिस अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। और वो क्या क्या टर्म्स है, वो टर्म्स हैं, पहला टर्म है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और उसके बाद तीसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद हमें क्या अंडरस्टैंड करने की जरूरत होगी, हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत होगी हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक वर्सेस कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक वर्सेस डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। ये कुछ पांच चीजों के बारे में अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ठीक है। अगर ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे तो ये कुछ भी नहीं है, ये हम मिटा देंगे अच्छे से। पहला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ना, पहला है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस टर्म को हम ब्रेक करेंगे, हाइपर यानी बहुत ज्यादा, टोनिक मतलब टोनिसिटी, टोनिसिटी, ठीक है, टोनिसिटी। हाइपो यानी हाइपो इंडिकेटिंग लेस, टोनिक इंडिकेटिंग टोनिसिटी, ठीक है। आइसो मींस नेदर मोर, नेदर मोर नॉर लेस, टोनिक इंडिकेटिंग टोनिसिटी, यानी अब देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और टोनिक मतलब टोनिसिटी। सो यहाँ पे टोनिसिटी जो सेल में है या फ्लूइड में है या मटेरियल में है वो सबसे ज्यादा होता है, और उस सॉल्यूशन को, उस मटेरियल को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी मान के चलो कि हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर, हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमें फ्लूइड भर दिया, हमने क्या किया है, या फिर कोई सॉल्यूशन भर दिया है, कोई सॉल्यूशन से इसको भर दिया, और इस सॉल्यूशन में हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन भर दिया और फिर हम इसको क्लोज कर दिए, और इस सॉल्यूशन, इतना हमने सॉल्यूशन भरा, इतना हमने सॉल्यूशन भरा कि इसमें क्या हुआ, स्ट्रेस क्रिएट हो गया, स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस क्रिएट हो गया। नाउ आपने, आप कोई भी रबर बैंड लेके खींचते हैं, वहां पे एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रेस अवेलेबल जो मटेरियल पे एग्जर्ट होता है, प्रेशर जो एग्जर्ट होता है। नाउ ये हम समझ लेंगे जब हम सोल्यूट के बारे में समझ लेंगे, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को ध्यान में रखते हुए ही हमें ये सब कुछ समझना होता है। सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कल ही हमने बताया था, ये पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन है, ये सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन यानी ये जो हमारा सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा अगर होता है तो वो सोल्यूशन हाइपरटोनिक हो जाता है। अगर किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन में, अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, हम उसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर अगर हमें, अगर हमारे पास जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, अगर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा, है ना। आइसोटोनिक क्या है, आइसोटोनिक मींस सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इक्वल होता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड, दैट कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट, दैट कंडीशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। यानी यहां पे दोनों बराबर है, सोल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट, सोल्यूट
इज इक्वल टू सॉल्वेंट, ठीक है, ऑल राइट। चलिए तो यहां पे हम समझते हैं कि ये क्यों ऐसा है। तो नॉर्मली आपका सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो क्या सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। हाइपोटोनिक, अगर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन में आ जाएगा, राइट। तो मान के चलिए कि अगर हम लिखते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का डेफिनेशन, तो हम हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये हमें सोच समझ के बताइएगा, ठीक है, कि हम कर सकते हैं कि नहीं। हमने जो डेफिनेशन दिया है उसमें इस टर्म्स को इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कई सारे डेफिनेशन ऐसे भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये तीनों टर्म समझ में आ गया होगा। सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होता है तो वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाता है, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन अगर कम रहता है तो वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाता है, सोल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट अगर रहता है तो वो आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाता है। यानी अगर मान के चलिए कि ये तभी पॉसिबल है, ये बता पाना, ठीक है, बता पाना कि हाइपरटोनिक एक हाइपोटोनिक अगर सिंगल सोल्यूशन है, जब हमें पता है सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद अगर दो हमें दो तरह के कंपार्टमेंट या दो हमें फ्लूइड दिया जाए, दो फ्लूइड दिया जाए, तो उस दोनों फ्लूइड को हमें कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा हाइपरटोनिक है और कौन सा हाइपोटोनिक है, और यहाँ पे मूवमेंट कैसा होगा, ऑस्मोसिस यहाँ पे या डिफ्यूजन कैसा होगा। ओके, ऑलराइट। चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इस प्लास्मोलाइसिस को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ हम तीन कंटेनर लेते हैं, ठीक है, हम तीन कंटेनर लेते हैं, राइट, तीन कंटेनर। पहला कंटेनर थोड़ा बड़ा कर देते, बड़ा कंटेनर लेते, है ना। हम पहला कंटेनर लिए, दूसरा कंटेनर लिए, तीसरा कंटेनर लिए, ठीक है, हमने तीन कंटेनर लिया है। आप साइज डिफरेंस नहीं है, बनाने में हो गया ऐसा, ठीक है, ये मत समझने के साइज के डिफरेंस की वजह से कुछ यहाँ पे इसका भी कोई रीजन है, इसका कोई रीजन, हाँ रीजन है कि बनाने में गड़बड़ हो गई, ठीक है। हमने तीन कंटेनर ले लिया और तीन कंटेनर में एक दो और तीन कंटेनर है, यहाँ पे कंटेनर ए, कंटेनर बी और कंटेनर सी, ठीक है। इस कंटेनर में हमने क्या किया, एक कंटेनर में हम क्या भरे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन डाल दिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम इसमें भर दिए। दूसरे में हमने क्या किया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भर दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भर दिया, और तीसरे में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भर दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमने भर दिया, ठीक है। तीनों टर्म हमें पता है कि क्या होता है, इसीलिए हमें कोई अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ज्यादा कुछ यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमें पता है कि तीनों टर्म का मतलब क्या है। अब इसमें सॉल्यूशन हम भर देते हैं, हमने इसमें सॉल्यूशन हमने भर दिया, ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन,
है, यानी इसमें सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूट है और इसमें सॉल्यूट इज मोर, सॉल्वेंट इज लेस, इसमें सॉल्यूट इज लेस एंड सॉल्वेंट इज मोर। ठीक है, तो तीनों सॉल्यूशन हमने लिया। अब हमारे पास दो सेल दिया जाता है, एक प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। ठीक है, एक प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। तो हमारे पास क्या है, एक प्लांट सेल है, ठीक है, जिसके पास सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और एक एनिमल सेल है जिसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और फिर इन दोनों के पास क्या है, न्यूक्लियस है और वैक्यूल है। क्या है, वैक्यूल है। ठीक है, हम इसके पहले कि हम इसे और क्वेश्चन आपके अंदर मन में आए, हम बता दें कि वैक्यूल इज अ सेल ऑर्गेनेल विच इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, विच स्टोर्स वॉटर या फिर कह सकते स्टोर्स सम फ्लूइड या फिर सब सब्सटेंसेस। ठीक है, स्टोरेज के लिए होता है। ठीक है, स्टोरेज के लिए आपको वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टोरेज के लिए। नाउ अगर कहा जाए ये हमारा प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल को हम इस तीनों सॉल्यूशन में डाल दें। ठीक है, हमारे पास प्लांट सेल है और प्लांट सेल को हम तीनों सॉल्यूशन में डाल दें तो क्या होगा, क्या क्या रिएक्शंस होंगे, वो हमें समझना है। वो क्या करना है, वो हमें समझना है। ठीक है, नाउ हमने क्या किया है, इस प्लांट सेल को पहले हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाला। ठीक है, हमने क्या किया है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाला। तो ये डाला हमने प्लांट सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, हमने क्या डाला, प्लांट सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैक्यूल और न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद हमारे दूसरे सेल में, दूसरे कंटेनर में, जो पुराने बैच के बच्चे हैं इस ग्रुप में जो अभी क्लास कर रहे हैं उनको शायद ऑलरेडी ये सब कुछ पता होगा। प्रतीक सर आप लोगों को ये सब पढ़ाए होंगे, सो ये नया आप लोगों को नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक महीने से चल रहा है तो मे भी हो सकता है अब तक तो खत्म हो गया होगा। ऑलराइट, तो प्लांट सेल हमने तीनों सॉल्यूशन में डाल दिया। तीनों सॉल्यूशन में जब हमने प्लांट सेल डाला, ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आपको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट, इस पर्टिकुलर आपको सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में आपको क्या है, बाहर बाहर इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट, सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट। यहां पे सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। ठीक है, सोल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ये क्या है, हाइपरटोनिक है, विच मींस यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइपोटोनिक है, हाइपो मतलब लेस, सो यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लेस होता है, सॉल्वेंट का यहाँ पे, सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। So this is your hypotonic solution. ठीक है, अब ये जो तीन एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, which means यहाँ पे हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे इसमें क्या क्या होगा, जब हम इस प्लांट सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो अंदर का जो मेटीरियल, इस ये जो हमारा वैक्यूल है, ये वैक्यूल कुछ मेटीरियल रिलीज कर सकता है और कुछ मेटीरियल अंदर, यानी एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस दोनों होंगे इसमें। ठीक है, या फिर कुछ भी ना हो, ये भी पॉसिबल है कि आप कुछ भी ना हो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बराबर है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का, है ना। जब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो हम इस सोल्यूशन के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे हमारे सेल के अंदर क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या कॉन्सेंट्रेशन क्या है।
ठीक है। और यहाँ पे मूवमेंट, नेट मूवमेंट क्या होगा, ठीक है, नेट मूवमेंट क्या होगा, ठीक है। तो प्लास्मोलाइसिस एक छोटा सा टर्म है, प्लास्मोलाइसिस यहाँ पे मूवमेंट होगा। सो प्लास्मोलाइसिस जो अगर मान के चलिए कि ये हम रखते हैं आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट क्या होगा, नेट मूवमेंट इक्वल मूवमेंट होगा। यहाँ पे सेल्स और बाहर में तो मूवमेंट क्या होगा, इक्वल मूवमेंट होगा, ठीक है, मूवमेंट क्या होगा यहाँ पे, इक्वल होगा। यहाँ पे अगर देखें कि सेल के अंदर का जो मटेरियल है और सेल के बाहर का मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज कैसे होंगे, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखे, राइट, तो सेल प्लेस इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन व्हिच मींस हैविंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज मोर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज मोर, तो यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, क्योंकि सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए अंदर से जो हमारे सोल्यूट हैं, अंदर से हमारे जो सोल्यूट हैं ये बाहर रिलीज होने लगेंगे, सॉरी सॉल्वेंट जो है हमारे अंदर के सॉल्वेंट, क्योंकि बाहर सोल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट कम है, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस होगा, यानी सेल से बाहर हमारे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होंगे। वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, सेल से बाहर रिलीज होंगे। ये ऑस्मोसिस, अगर ऑस्मोसिस आपको पता है तो ऑस्मोसिस का ही एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने ये बता रहे हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये है, प्लास्मोलाइसिस का एक्सपेरिमेंट। क्या होगा, सारा जो वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर निकलेगा, इसको इक्विलिब्रियम इसका मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जब बाहर निकलेगा तो हमारा सेल के अंदर वाटर क्या होगा, वाटर लॉस होगा। जब सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल लॉस होंगे, ठीक है, सेल के अंदर, तो हमारा सेल का प्लास्ट सेल वॉल क्या करेगा, सेल वॉल तो ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि सेल वॉल रिजिड एंड टफ होता है, उसका उसमें कोई चेंज नहीं आएगा उसके शेप एंड स्ट्रक्चर में। बट हमारा जो सेल का वॉल्यूम है ये हमारा वाटर वॉल्यूम में कम हो जाएगा, सो सेल जो है सेल क्या हो जाएंगे, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे ऑर्गेनेल्स एकदम श्रिंक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सेल का मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाएगा, और कुछ इस तरह से आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेंगे, कुछ इस तरह से आपको इसके अंदर कुछ वैक्यूल्स कुछ इस तरह से दिखेंगे, ठीक है, और इसके अंदर आपको न्यूक्लियस कुछ इस तरह से दिखेगा, न्यूक्लियस, ठीक है, वैक्यूल कुछ इस तरह से दिखेगा फ्लैट, और आपको न्यूक्लियस दिखेगा, यानी सेल वॉल में कोई चेंजेस नहीं आया है, बट क्योंकि सेल से अंदर से वाटर लॉस हुआ है, एक्सोसाइटोसिस हुआ है, सेल का मेम्ब्रेन एक कोने में सिकुड़ जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, सेल का सारा मटेरियल एक कोने में सिकुड़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक यानी एकदम क्या हो जाएगा, एक कोने में एकदम सिकुड़ जाएगा, ठीक है, कोने में यहाँ पे सिकुड़ जाएगा। अब इस फिनोमिनोन को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिनोन को हम कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस, क्या कहते हैं, एक्सोऑस्मोसिस, इस फिनोमिनोन को हम कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। और इस सेल को हम क्या कहेंगे, ठीक है, इसी यही एक तरह यही प्रोसेस है प्लास्मोलाइसिस का, दिस इज द प्रोसेस प्लास्मोलाइसिस, एंड ये सेल को हम क्या कहेंगे, सेल को कहेंगे प्लास्मोलाइज्ड सेल, ठीक है, हम सेल को क्या कहेंगे, प्लास्मोलाइज्ड सेल, सेल को क्या कहेंगे, प्लास्मोलाइज्ड सेल कहेंगे, यानी सेल का जो प्लास्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो गया है, तो ये क्या कहेंगे हम, प्लास्मोलाइज्ड सेल कहेंगे। नाउ सेम सेल है, ठीक है, यहाँ पे जो सेल है सेम सेल हमने यहाँ पे भी लगा रखा है, सेम प्लांट सेल है, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, यानी यहाँ पे वाटर बाहर ज्यादा है और अंदर वाटर कम है, यही मुकाबला हुआ ना, मतलब बाहर में वाटर ज्यादा है सॉल्यूट बाहर में कम है, तो जो बाहर का जो वाटर है अब क्या होगा, वो सारा वाटर बाहर से अब अंदर की तरफ मूव करने लगेगा, सारा वाटर जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगा। जब सारा वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा क्या होगा, ये वैक्यूल फूल जाएगा और हल्का सा इस सेल वॉल के पास प्रेशर एग्जर्ट होगा, क्या
एग्जर्ट होगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा, यहां पे क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस होगा, सेल से बाहर निकलेंगे, यहां पे एंडोसाइटोसिस होगा, सेल के अंदर आएंगे, और इसको हम कहेंगे एंडोऑस्मोसिस, इसको हम क्या कहेंगे, एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। और यहां पे जो वाटर है कि उसके वजह से वाटर अंदर गया, इसके वजह से इसका जो वॉल है, ये वॉल को बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, यहां पे प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, इस वॉल में प्रेशर क्रिएट होगा, और इस प्रेशर को हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब यह सेल क्या हो जाएगा, ये सेल यहां पे टर्जिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेल यहां पे क्या हो जाएगा, सेल को हम कहेंगे टर्जिड सेल, सेल को क्या कहेंगे, टर्जिड सेल, ये है प्लास्मोलाइज्ड सेल, और ये क्या है, टर्जिड सेल, टर्जिड सेल, ठीक है। ये क्या है, ये प्लास्मोलाइज्ड सेल है, प्लास्मोलाइसिस हो गया है, और यहां पे क्योंकि वाटर अंदर गया है, ये पूरा वॉल पे प्रेशर क्रिएट किया है, जिसके वजह से हमारा जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल मान के चलिए नॉर्मल सेल वॉल है, इस सेल वॉल जो है वो बाहर की तरफ जो है वो यहाँ पे मान के चलिए नॉर्मल सेल वॉल है, इस सेल वॉल बाहर की तरफ थोड़ा सा बल्ज हो जाता है, हल्का सा स्वेलिंग इसके अंदर आ जाते हैं, हल्का सा इसके अंदर बाहर में स्वेलिंग दिखते हैं, क्योंकि ये बर्स्ट नहीं होंगे, कितना भी प्रेशर आए बर्स्ट नहीं होंगे, और इसके बाद यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वाटर का, जब ये मैक्सिमम लिमिट रीच हो जाएगा सेल के, सेल का इससे ज्यादा इसमें वाटर नहीं भरा जाएगा, तो क्या होगा, ये सेल के अंदर जाना ये मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, क्यों स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये सेल वॉल रिजिड है, टफ है, और यहाँ पे इससे ज्यादा ये एंट्री अलाउ नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि सेल अब टर्जिड हो गया है, यानी यहाँ पे वाटर भर चुका है, सेल टर्जिड है, इससे ज्यादा वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट अलाउ नहीं करेगा। अब इस सेल को हम कहेंगे टर्जिड सेल, इस सेल को क्या कहेंगे, टर्जिड सेल कहेंगे, और क्योंकि वाटर अंदर में बहुत ज्यादा गया है और इसके वॉल में प्रेशर क्रिएट हुआ है, हम इस प्रेशर को, क्योंकि ये वाटर जब अंदर गया, सो द मूवमेंट ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल या द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल वॉल भी एक तरह का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल भी एक तरह का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, क्यों है, कौन सा रीजन में, यह सब हम बताएंगे सेल वॉल पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो सो द मूवमेंट ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सो यहां पे वॉटर मूव किया है, द मूवमेंट ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल क्या है, क्या बोल रहे थे, देखिए आवाज नहीं आ रही है ना, तो अपना ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए भारती, या फिर लिफ्ट होकर वापस से ज्वाइन करिए, अपना ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए, ऑडियो सिस्टम जो है वो कनेक्ट कर लीजिए, हेडफोन वगैरह कनेक्ट कर लीजिए, आपके अवन आपके जो स्क्रीन है उसके नीचे एक स्पीकर का ऑप्शन होगा, इस तरह से शायद इस तरह से एक ऑप्शन बना होगा, कुछ इस तरह से ऑप्शन बना होगा, ठीक है, इस ऑप्शन को क्लिक करिए, ठीक है, इस तरह से आपके ऑप्शन बने होंगे, ठीक है, इसको क्लिक करिए, और इसको क्लिक करके क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक क्लिक दिस एंड कनेक्ट टू डिवाइस ऑडियो या कंप्यूटर ऑडियो या इंटरनेट ऑडियो, जो भी आपको देना है आप कनेक्ट कर सकती है, ठीक है, कनेक्ट टू डिवाइस ऑडियो, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो अपने कोऑर्डिनेटर से बात करिए, ठीक है, क्लास के कोऑर्डिनेटर से बात करिए, या कोऑर्डिनेटर्स अगर आप यहाँ पे अवेलेबल हैं तो प्लीज भारती कुमारी को ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा, उनको जरा हेल्प कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो कहां थे भाई, यस, वाटर मूवमेंट, सो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, लोअर ऑफ टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन
थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अंटिल इट रीचेस इट्स इक्विलिब्रियम. ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द डेफिनेशन. सो यहाँ पे वॉटर मूव कर रहा है, सो ये ऑस्मोसिस है. सो ऑस्मोसिस के वजह से जो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. उसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. And the potential to create this osmotic pressure, the water which is having the potential to create this osmotic pressure is known as osmotic potential. Anyways, we will understand in detail about this osmotic pressure, osmotic potential, solute potential, everything. ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? ये आपको pressure create किया है, osmotic pressure है, और cell क्या हो गया? Turgid हो गया है. ठीक है? देखिए किसका डेफिनेशन चाहिए भाई आपको? ओ भाई क्रिप्टोगामिट किसको किसमें इंक्लूड कर रही है? ये कहां से कौन सा टॉपिक चल रहा है और किसको किसमें इंक्लूड करके बार बार मैसेज कर रही है कि डेफिनेशन बताइए? भाई जो टॉपिक चल रहा है पहले उसको पढ़िए ना. हमने बोला ना कि जो भी आपका डाउट है क्लास के बाद में कभी भी आप पूछ सकती हैं. लास्ट में 5 मिनट टाइम दे देंगे, उसमें डेफिनेशन पूछ लेना, उसमें जो डाउट है पूछ लेना, या मेरे ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए उसमें डेफिनेशन. क्लास में जब क्लास चल रहा है उस वक्त जो उस टॉपिक में जो प्रॉब्लम है वो पूछिए. किसी और टॉपिक यानी क्रिप्टोगामिट का डेफिनेशन पूछ रही है, व्हाट इज दिस? ठीक है, देखिए क्या होता है कि क्लास में जब एक फ्लो से चल रहा होता है, अगर उस टाइम में अगर हम दूसरे टॉपिक को उसमें घुसाकर अगर हम उसका डेफिनेशन बताने लगेंगे तो बहुत सारी चीजें उसी के रिलेटेड हम एकदम बह जाएंगे, उसके तरफ चले जाएंगे. सो हमारा टॉपिक से मुद्दा से भटक जाएगा. टाइम हमारे पास कम है और पढ़ना बहुत कुछ है. ठीक है, तो जो टॉपिक हो रहा है ये जो आप गैमिट जो क्वेश्चन पूछ रहे क्रिप्टोगैमिट का, ये क्वेश्चन ये चैप्टर आएगा, ये क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा, आंसर मिल जाएगा. नहीं भी मिलेगा तो क्लास के बाद आप पूछ सकती हैं. ठीक है, सो बार बार मैसेज करना प्लीज बंद करिए. यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर हमने पढ़ लिया, एंडोस्मोसिस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्या पढ़ रहे थे भाई, टर्जिड सेल. ठीक है, तो ये क्या है? ये टर्जिड सेल हो गया. सो दिस इज व्हाट प्लास्मोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द प्लांट सेल. अगर यही हम रिप्लेस करें एनिमल सेल से क्या होगा, लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया प्लांट सेल का, समझ में आ गया प्लास्मोलाइसिस क्या होता है, प्लांट सेल का इस प्रोसीजर समझ में आ गया. अगर समझ में आ गया प्लांट सेल का ये प्रोसीजर, तो जो करना है हमने जो बताया था वो फटाफट से टिक लगा दीजिए. ओके ओके ओके, सबने टिक लगा दिया, वेरी गुड, थैंक यू. आगे बढ़ते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे. हमने सिमिलरली पहले जैसा ही हमने तीन कंटेनर यहां पे ले लिया है, कंटेनर ए बी एंड कंटेनर ए बी एंड सी. सिमिलरली हमने इसमें भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन भर दिया है. इसमें हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भर दिया है. इसमें हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भर दिया.
ठीक है। अब हमने क्या किया, अब यहां पे हमने एनिमल सेल को डाला, ये हमने इसमें रखा एनिमल सेल। एनिमल सेल में भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे, आपको न्यूक्लियस होंगे और बाकी सारी चीजें होंगी, यहाँ पे हमने रख लिया। ठीक है, हमने रख लिया। मान के चलते हैं कि हमारा मेमेलियन आरबीसी है, मेमेलियन आरबीसी है। मेमेलियन आरबीसी का शेप क्या है, हमने ऑलरेडी आपको दिया था कि शेप साइज के बारे में होमवर्क करके आइएगा। ठीक है, कई सारे लोग होमवर्क सबमिट किए, कई सारे लोग नहीं किए। एनीवेज, तो मेमेलियन आरबीसी, हमारे जो मेमेलियन आरबीसी है, इस मेमेलियन, अच्छा अच्छा ओके, आज वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे, ओके। सो मेमेलियन आरबीसी जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और इसीलिए बाइकॉनकेव होते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, ये बाइकॉनकेव होते हैं। ठीक है, हमारे यहां पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अब यहां पे क्या होगा, नेट मूवमेंट, और हमें पता है नॉर्मली की नेट मूवमेंट यहां पे क्या होगा, इक्वल है ना, इक्वल नेट मूवमेंट होगा 50-50%। यहां पे क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, सो एक्सो ऑस्मोसिस है ना, एक्सो ऑस्मोसिस होगा। जब ये एक्सो ऑस्मोसिस होगा तो ये हमारा सेल, रिजल्ट क्या होगा इसका, ये जो हमारा सेल है ये क्या होगा, ये नॉर्मली हमारा सेल श्रिंक हो जाएगा। यस और नो, हमारा सेल क्या हो जाएगा, हमारा सेल जो है ये श्रिंक हो जाएगा, फूटेगा नहीं, टूटे फूटेगा नहीं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, इसका सारा मटेरियल जो है वो बाहर निकल आएगा। अगर हम यहां पे बात करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है, तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा वाटर जाने के वजह से यहाँ पे सेल वॉल, इसका सेल वॉल बोल रहे हैं, इसका मेम्ब्रेन जो है ये ब्रेक हो जाएगा और यहां से सारा फ्लूइड रिलीज हो जाएगा और सेल सेल लाइस हो जाएगा। सेल ये क्या हो जाएगा, लाइस हो जाएगा। यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में द नेट मूवमेंट विल बी जीरो, यानी इक्वल इक्वल मूवमेंट है। यहां पे देखिए, यहां पे क्या होगा, हाइपरटोनिक में से वाटर लॉस हो जाएंगे, सो सेल हमारा श्रिंक हो जाएगा, क्रिनेटेड सेल हो जाएंगे, क्रिनेटेड सेल। और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी सेल बर्स्ट हो जाएंगे, सेल यहाँ पे लाइसिस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्रिनेटेड सेल है, क्रिनेटेड सेल, या हम कहेंगे प्लास्मोलाइज्ड सेल, प्लास्मोलाइज्ड सेल, यहाँ पे क्या होंगे, सेल लाइसिस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल नहीं है इसके प्रोटेक्शन के लिए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेलिकेट होता है और वो बर्स्ट हो जाता है, तो यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा, सेल यहाँ पे लाइस हो जाएगा। ठीक है, सेल क्या हो जाएगा, लाइस हो जाएगा। चलो, ये था एनिमल सेल का। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा प्लास्मोलाइज्ड सेल है, अब ये सेल, अब इस सेल को हम क्या करते हैं, इस सेल को उठाकर हम इसमें रख देते हैं, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से इस सेल को, जो क्रिनेटेड सेल है, इसको उठाकर हम इस सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं। क्या होगा, हमने इसको यहां पे डाला, जैसे हमने इसको यहां पे डाला, इसको मान के चलिए, इसको हमने यहां पे डाला हुआ है, जैसे डाला, वाटर मॉलिक्यूल सारे क्या कर रहे हैं यहां पे, अब वाटर मॉलिक्यूल क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ एंटर कर रहे हैं, ठीक है, अंदर की तरफ एंटर करेंगे और फाइनली क्या होगा, ये बैक टू इट्स नॉर्मल, बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन, ये अपना नॉर्मल शेप में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये अपना नॉर्मल शेप में आ जाएगा, विच मीन्स ये प्लास्मोलाइज्ड सेल अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। जैसे ही हम इसके सॉल्यूशन को चेंज करते हैं, हाइपोटोनिक में जैसे ही इसको रखते हैं, ये क्रिनेटेड सेल ओरिजिनल नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीप्लास्मोलाइसिस। इस प्रोसेस को कहते हैं डीप्लास्मोलाइसिस। तो समझ में आया, ये हम कहेंगे इस प्रोसेस को प्लास्मोलाइसिस, और ओरिजिनल स्टेट में जब वापस आ जाता है उसको हम कहेंगे डी यानी ऑपोजिट, सो डी प्लास्मोलाइसिस, यानी यहां पे प्लास्मोलाइसिस नहीं हुआ है। ठीक है, विच मीन्स ये ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम प्लांट सेल को भी, प्लांट सेल यहाँ पे क्या है, मान के चलते हैं कि प्लांट सेल हमारा यहाँ पे लाइस हो चुका है। प्लांट सेल क्या है, प्लांट सेल है, सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, प्लास्मोलाइसिस यहाँ पे हुआ है,
और हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरह से है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर आपके वैक्यूल्स हैं और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक है। हम इसको इस प्लांट सेल के जो प्लास्मोलाइज्ड सेल है, इस सेल को अगर हम इस सॉल्यूशन में यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर प्लेस करते हैं तो क्या होगा, लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, ठीक है। ये क्या होगा, ये अपना ये क्या है, सेल वॉल है, और फिर से इसमें वाटर एंट्री करेंगे, वाटर एंट्री करेंगे और फिर क्या हो जाएंगे, ये अपना पोजीशन नॉर्मल स्टेट में कर लेंगे, यानी अपना ओरिजिनल शेप ये वापस से गेन कर लेंगे। अब इस सेल को हम क्या कहेंगे, डीप्लास्मोलाइसिस या डीप्लास्मोलाइसिस इस प्रोसेस को कहेंगे, और इस सेल को कहेंगे डीप्लास्मोलाइज्ड सेल, डी प्लास्मोलाइज्ड सेल। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बोलो, समझ में आया हाँ या ना, यस और नो, जल्दी से अपना प्रतिक्रिया मुझे दे दो। नहीं आया तो क्रॉस, आया तो यस। ओके, नहीं आया समझ में, मोहम्मद शमशेद को नहीं आया समझ में, ऋषभ अनुराग को समझ में नहीं आया, शिवानी गुप्ता को समझ में नहीं आया। ओके, ठीक है, क्या कर सकते हैं, नहीं आया तो नहीं आया। नहीं ऐसा नहीं है, फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं, समझ लीजिए, ठीक है। ये हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, यहां तक तो समझ में आया होगा, प्लांट सेल का पूरा समझ में आ गया होगा, एनिमल सेल हम थोड़ा सा फास्ट चले गए हो, आई होप इसीलिए आपको समझ में नहीं आया, तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं। हमने एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन लिया, इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमने एनिमल सेल को डाला, एनिमल सेल ऐसा होता है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है, तो इसीलिए ये प्रोटेक्टेड नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेलिकेट है, समझ लीजिएगा। अब हम इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, जैसे ही हम इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे इसमें चेंजेस होगा, आइसोटोनिक है, यहाँ पे ना ज्यादा वाटर है ना ज्यादा सोल्यूट है, सो कुछ माइनर अप डाउन हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे तो ये यहाँ पे होगा, राइट, ठीक है, सो नो नेट मूवमेंट या फिर नो नेट गेन या नो नेट लॉस हम ये कह सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट का, नेक्स्ट सेल क्या है, नेक्स्ट सेल है हमारा ये प्लांट सेल जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो ये प्लांट सेल है, हमने यहाँ पे रखा था एनिमल सेल को, है ना, यहाँ पे हमने रखा था एनिमल सेल को, सो मान के चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनिमल सेल है, और एनिमल सेल में हमने क्या किया, यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो जब यहाँ पे बाहर में सॉल्वेंट कम होगा तो वाटर अंदर से क्या करेगा, मूव करेगा, वाटर अंदर से मूव करेगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, है कि नहीं है, वाटर मूव करेगा अंदर से बाहर इक्विलिब्रियम के लिए, जब वाटर सारा सेल का अंदर से बाहर आ जाएगा तो सेल क्या हो जाएंगे, सेल अपना सारा वाटर लॉस कर देंगे और ये हो जाएंगे इस तरह से, इस तरह से क्रिनेटेड हो जाएंगे, यानी सारा वाटर लॉस करके सेल श्रिंक हो गए, सिकुड़ गए यहाँ पे, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, सेल को हमने एनिमल सेल को नॉर्मल एक एनिमल सेल को हमने डाला किस सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बाहर में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है। अब क्या होगा, अब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा, जब ये अंदर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे सेल वॉल तो है नहीं प्रोटेक्शन के लिए, सेल वॉल यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए है नहीं, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा पानी जाएगा, बलून है एक तरह का, पानी भरते जाइए, हवा भरते जाइए भरते जाइए, जब उसका क्या होगा, जब उसका अपना सीमा पूरा होगा वो फट जाएगा, सिमिलरली जब इसका पूरा सीमा खत्म होगा ये फट जाएगा, जब ये फट जाएगा तो क्या होगा, जब ये फट जाएगा तो
ये सेल, हाँ उसको हम कहेंगे सेल लाइसिस, उसको हम क्या कहेंगे सेल लाइसिस, ठीक है। अब इस सेल को जो यहां पे क्या हुआ है, प्लास्मोलाइज्ड हो गया है, यानी सिकुड़ गया है, क्योंकि सारा वाटर यहां से लॉस हो गया है, ये सिकुड़ गया है। इस सिकुड़े हुए सेल को, इस सिकुड़े हुए सेल को हम कैसे वापस से इस कंडीशन में लाएं? तो सिकुड़े हुए सेल को उठाकर हम अगर इस सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो सारा वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर जाएगा और ये नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगा, उसको कहते हैं डीप्लास्मोलाइसिस, या उस सेल को कहेंगे डीप्लास्मोलाइसिस सेल, ठीक है। सिकुड़े हुए सेल को उठाकर हम दूसरे सॉल्यूशन में डाल देते हैं जिसमें बाहर में वाटर ज्यादा है, तो क्या होगा, ये वाटर सारा अंदर आएगा और हमारा सेल नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। अब हम इस सेल को क्या कहेंगे, डीप्लास्मोलाइसिस, इस प्रोसेस का नाम है डीप्लास्मोलाइसिस, इस सेल को कहेंगे डीप्लास्मोलाइज्ड सेल। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे प्लांट सेल, इसको क्या करें, इसको हम प्लांट सेल को भी रखते हैं, तो सेम प्रोसीजर प्लांट सेल में भी होगा। ये हम अगर यहाँ पे प्लांट सेल रखेंगे तो प्लांट सेल यहाँ पे क्या हुआ है, प्लांट सेल यहाँ पे प्लास्मोलाइज्ड हुआ है ना, यहाँ पे प्लांट सेल क्या हुआ, प्लास्मोलाइज्ड हुआ है। अगर हम इसको इस सोल्यूशन में रखते हैं, है ना, इस सोल्यूशन में रखते हैं तो ये नॉर्मल पोजिशन इसको पकड़ लेगा, ये अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। अब इस प्रोसेस को कहेंगे डीप्लास्मोलाइसिस और इस सेल को कहेंगे डीप्लास्मोलाइज्ड सेल। समझ में आया कि नहीं आया, अब बताओ मुझे, अब बताओ कि आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपका डाउट अब क्लियर हो गया है तो आई होप सही है, ठीक है। अगर क्लियर हो गया तो टिक कर दो, नहीं हुआ है तो अभी भी आप क्रॉस कर सकते हो, फिर से हम बताएंगे, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक हम बताएंगे। मेरा मेन मकसद है आपको समझ में आ जाए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, तो आगे क्या पढ़े, आज का टाइम हो गया है खत्म, ठीक है। तो आई होप हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि प्लास्मोलाइसिस क्या होता है, प्लास्मोलाइसिस का डेफिनेशन क्या है, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा आपका कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, फिर हमने देखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, फिर हम प्लास्मोलाइसिस के प्रोसेस के बारे में पढ़े कि प्लास्मोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है। हमने पहले तीन कंटेनर लिया, तीन कंटेनर में तीन सॉल्यूशन डाला, तीन सॉल्यूशन में हमने हर सॉल्यूशन में अलग अलग सॉल्यूशन रखा, एक में आइसोटोनिक, दूसरे में हाइपरटोनिक और तीसरे में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमने क्या किया, एक प्लांट सेल को डाला, उसके बाद उसमें क्या हुआ, कोई मूवमेंट चेंज नहीं हुआ, यानी दोनों बराबर था सॉल्यूट सॉल्वेंट का, तो इक्विलिब्रियम वहां पे मेंटेन करने का सवाल ही नहीं था, सो वहां पे ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, सो इक्वली मेंटेन रह गया वहां पे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को हमने जब डाला तो हमने देखा कि सेल से अंदर वाटर जो था वो सारा बाहर लॉस हो गया, क्योंकि बाहर में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, बाहर का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम है, इसीलिए सेल जो है वो श्रिंक हो गया और प्लास्मोलाइज हो गया। हमने उस प्रोसेस को कहा प्लास्मोलाइसिस और उस सेल को कहा प्लास्मोलाइज्ड सेल। फिर हमने क्या किया, प्लांट सेल को हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला, जैसे हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला हाइपोटोनिक में, तो वाटर सारा अंदर गया, और जैसे वाटर अंदर गया सेल में हल्का सा बल्ज दिखाई दिया, लेकिन सेल ब्रेक नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द सेल वॉल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, और यहाँ पे इसके वॉल में ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है, सेल हमारा टर्जिड हो गया, सेल क्या हो गया, टर्जिड हो गया, ठीक है। सेम तीन सॉल्यूशन हमने लिया और सेम हमने क्या किया, सेम तीन सॉल्यूशन लिया, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक, और इस टाइम हमने क्या किया, प्लांट सेल के जगह पे एनिमल सेल डाल दिया, क्योंकि एनिमल सेल में आइसोटोनिक सॉल्यूशन में भी कोई चेंज नहीं हुआ, बट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल, एनिमल सेल क्रिनेट हो गया, सिकुड़ गया, और सेम अगर हमने हाइपोटोनिक में डाला तो वो क्या हुआ, नॉर्मली बर्स्ट हो गया, क्योंकि वाटर ज्यादा गया और वो बर्स्ट हो गया, सेल लाइस हो गया, क्योंकि वहां पे सेल वॉल नहीं था उसके प्रोटेक्शन के लिए।
ठीक है, हमने क्या किया, ये जो हमारा एनिमल सेल जो पेनेटेड सेल था उसको हमने उठाकर हाइपोटोनिक में डाला, वो वापस से अपने शेप में आ गया। सिमिलरली प्लांट सेल को भी हम जो यहाँ पे प्लास्मोलाइज प्लांट सेल है हमने इसको उठाकर हाइपोटोनिक में डाला और फिर से वो वापस अपने शेप में आ गया। इसको इस प्रोसेस को कहेंगे डीप्लास्मोलाइसिस और इस सेल को कहेंगे डीप्लास्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन के बारे में, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में, टर्गर प्रेशर के बारे में। ठीक है, ये सब चीज सारे टर्म्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे टर्म्स हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ठीक है, और जो भी डाउट है आप ग्रुप में डाल दीजिए या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जो कल ग्रुप में क्वेश्चन डाला गया था उसके आंसर उनको मिल गया है। सिमिलरली हर एक इंसान को क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि क्लास में जो टॉपिक पढ़ाएं, क्लास में रहें तो सिर्फ उसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछें, क्योंकि अगर हम कुछ दूसरे टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछते हो तो हम टॉपिक से भटक जाएंगे, फिर बहुत ही ज्यादा टाइम जो है वो लॉस हो जाएगा। इसीलिए उस टॉपिक पे जो डाउट है वो पूछ सकते हैं, एक्स्ट्रा डाउट है क्लास के बाद पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।